हे ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 7 मैथ्स का वीडियो, जो कि है एलसीएम के ऊपर। अगर आपने एचसीएफ के वीडियोस नहीं देखे तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिल रहा होगा एचसीएफ के वीडियोस का, देखिएगा ज़रूर। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी 7 स्टैंडर्ड मैथ्स का प्लेलिस्ट, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एकदम इजी तरीके से आप यहाँ पर मैथ्स सीख पाओगे। तो चलिए हम शुरू करें एलसीएम विद प्रैक्टिस सेट 13। लेट्स स्टार्ट देन। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल होगा हमारे दिए हुए गए नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी divisible by our given numbers, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो से 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, तो 4 और 6 से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? जैसे 4 का टेबल आप लिखोगे 4, 8, 12, 16, और 6 का टेबल अगर आप मल्टीपल्स लिखने को जाओगे तो आ जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 18 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में जो कि डिविजिबल हो जाएगा 4 और 6 से? कौन सा नंबर है? 12 कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन मल्टीपल है। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल। तो ये जो 12 नंबर है वो ऐसा छोटा नंबर है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिविजिबल होगा 4 से भी और डिविजिबल होगा 6 से भी। तो ये 12 इसका एलसीएम है। तो ये होता है एलसीएम का मतलब, दैट एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ योर गिवन नंबर्स, बाय ईच ऑफ योर गिवन नंबर्स, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने को चालू करते हैं। हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है एलसीएम के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अभी सॉल्व कर दियो क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा हम लोग 1 से तो स्टार्ट करते ही है ना, चलो इस बार 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का क्वेश्चन है 6, 8, 10। मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, जो भी नंबर्स आपको दिए ना आप उसके 1 बाय 1 करके प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। तो मैं निकाल देती हूँ अलग से, ये 6 जो है 2 3 3 1 सा, डन। 6 का प्राइम फैक्टर निकाल दिया। 8 का डिविजन करो प्राइम फैक्टर मेथड से, फैक्टर्स निकालो, 2 4 8, 2 2 4 और 2 2 1। आपको प्राइम फैक्टर निकालने आता होगा ना, क्योंकि हमने एचसीएफ भी तो इसी तरीके से किया है। 10 है तो 2 5 10, 5 1 5, आपने निकाल दिए फैक्टर्स। अब आप यहाँ पे लिखो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को आप लिखोगे 2 इंटू 5। अब ये जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, यार देखो मेरी बात बरोबर सुनना आप, ये जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिखे हैं इसमें से जो भी कॉमन है उसको ढूंढो। कौन है कॉमन? 2 2 2, है ना, 2 तीनों में भी कॉमन है। क्या और कोई नंबर कहाँ पे भी कॉमन है? नहीं है, ठीक है, इतना समझ में। जो कॉमन दिख रहा है ना आपको तीनों में वो लिख दो। कोई और नंबर आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करोगे? एलसीएम लिखोगे। एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो कॉमन 2 आया उसको हम एक बार लिखेंगे, अभी रेस्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या बोला मैंने? कॉमन जो आ रहा है प्राइम फैक्टर उसको एक बार लिखो, फिर जो बच गए हैं प्राइम फैक्टर्स उसको आप लिख दो बिंदास। कौन बच गया? 2 इंटू 2 बच गया, लिख दो 2 इंटू 2। इधर क्या बच गया? 3 बच गया। यहाँ पे कौन रह गया? 5। अभी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। ये मिल गया आपका एलसीएम। ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 6 का 8 का और 10। देयरफॉर यू कैन राइट अ फाइनल आंसर एज एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 is 120 and you are done, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइव है 45 and 86। चलो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 45 का, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा। 3 15 45 होता है,
थ्री फाइव ज़ा 15 होता है और फिर 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है। अब 86 लेते हैं, लास्ट का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, मतलब ये 2 में डिविजिबल होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर दें इसे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 43 आया। अभी 43 तो प्राइम नंबर होता है, कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सो 43 1 ज़ा 43, कितना सिंपल था। अब हम लिख दें यहाँ पे 45 क्या होता है, 45 होता है 3 × 3 × 5, और 86 क्या होगा 2 × 43। क्या यहाँ पे 45 और 86 के प्राइम फैक्टर्स में से कोई भी कॉमन है? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, 5 नहीं है, 43 नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स है, है ना, नॉन कॉमन मल्टीपल्स है, राइट। तो हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला, फिर जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दो मल्टीप्लाई आप 3 × 3 × 5, फिर × 2 × 43 को, ठीक है। सो 3 × 3 9 9 × 5 45 45 टू से कितना होता है 90 90 × 43 करना है, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे कर दो 90 × 43, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 27, फिर एक 0 4 0 ज़ा 0 9 4 ज़ा 36, कितना मिला 0 7, यहाँ पे 8 और 3 3 8 7 0। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, फटाफट आंसर लिख दो, एलसीएम ऑफ 45 एंड 86 इज 3 8 7 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है 105,195। मैं फैक्टराइजेशन करूँ 105 का, ये जाएगा 3 में 3 3 ज़ा और फिर बचेगा 1 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा और फिर 7 1 ज़ा, ये 195 लिखा, 195 कैसे 1 प्लस 9 10 10 प्लस 5 15, 3 में जाएगा, सो 3 6 ज़ा 18 बचेगा 1 5 ज़ा, 65 क्या होता है 13 5 ज़ा ना, सो 5 13 ज़ा, फिर ये 13 1 ज़ा। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 105 होता है 3 × 5 × 7 और 195 होता है, देखो एक के नीचे एक थोड़ा लिखा करो ताकि आपको कॉमन फाइंड करने में इजी हो, ठीक है। देखो मैंने कैसे लिखा है, अब हम कॉमन को मार्क कर दें, यहाँ पे 3 3 कॉमन है और 5 5 कॉमन है, ठीक है। अब मैं एलसीएम लिखती हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू 3 कॉमन आया एक बार लिख दो, 5 कॉमन आया एक बार लिख दो, और नॉन कॉमन 7 और 13, राइट, तो 7 × 13 कर दो, है ना, कॉमन वाला एक बार लिखो, जो नहीं कॉमन है उसको लिख दो आप इंटू करके आगे, तो ये कितना हो गया 3 5 ज़ा 15 15 7 ज़ा 105, 105 × 13 करते हैं, चलो 105 × 13 मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब आंसर चेक करते हैं कितना है 1 3 6 5, सो एलसीएम आ रहा है 1 3 6 5। कंक्लूड योर आंसर दैट द एलसीएम ऑफ 105 एंड 195 is 1365. Let's move on to the next question. Question 18, 36 or 27. ठीक है, तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 18 है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 36 है, ले लो 36 को, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 27 है, 27 लिया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, लिख दिया। अब चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे फैक्टर्स, 18 इक्वल 2 × 3 × 3, 36 इक्वल 2 × 2 × 3 × 3, एंड 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, ठीक है। अभी कॉमन मल्टीपल्स मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पर अभी कॉमन कौन कौन है, 2 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 में 3 नंबर्स है लेकिन 2 में कॉमन आ रहा है ना, तो आप मार्क कर लो उसे, फिर 3, ये देखो 3 3 एंड 3, फिर वापस से एक और 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 ये एक दूसरा 3 और एक 3, ठीक है। अब एलसीएम इज इक्वल कॉमन कौन आया, 2 कॉमन आया, फिर 3 आया, फिर एक और बार 3 आया, अब कौन बच गया, आया 2 बच गया और 3 बच गया, लिख दो आगे 2 × 3, ठीक है,
इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 2 8 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 3 आएगा 108. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 108. देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 27 इज 108. तो इस तरीके से आप कर सकते हो, समझा? अगर तीन नंबर्स दिए हैं लेकिन दो में भी कॉमन आ रहा है ना, आप लिख लो वो कॉमन मल्टीपल हो गया आपका, ले लो उसको भी. जैसे यहाँ पे 2 था, 2 दो नंबर में ही आ रहा था कॉमन, ले लेने का इसको, ठीक है? तीनों में, फिर ये 3 तीनों में आया, ले लिया. फिर ये 3 भी तीनों में था, ले लिया. फिर जो बच गया उसको भी ले लो, ठीक है? तो इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. यहाँ पे कुछ वेरीफाई भी करना है और एचसीएफ भी साथ में फाइंड करना है, ठीक है? तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 46, 51 फैक्टराइजेशन करें. 46 और ये तो 2 23 हो गया, और 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 1 आ जाएगा. 51 ये 3 में जाएगा, 5 + 1 3 में जाएगा, 6 आता है ना, 3 में जाएगा. 3 1 3 बचेगा 2 21, तो ये हो गया 17. 17 1 17, बस, ठीक है? अभी लिख दो यहाँ पर कि 46 इज इक्वल टू 2 × 23 एंड 51 इज इक्वल टू 3 × 17. क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? हमको एचसीएफ लिखना है. कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. हमने एक देखा है प्रिंसिपल कि अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं हो दोनों भी नंबर में तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1, समझा? जब कोई कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों नंबर में तो उसका एचसीएफ हो गया 1. एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम के लिए भी कोई कॉमन मल्टीपल तो मिल नहीं रहा है हमें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सारे नॉन कॉमन वाले हैं तो सबको लिख दो एक साथ इंटू करके, 2 × 23 × 3 × 17. आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा इसका 2 3 4 6, ठीक है? इसका आंसर आपको आएगा 2 3 4 6. तो ये एचसीएफ फाइंड कर लिया, एलसीएम फाइंड कर लिया. हमको क्या बोला है कि वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट. देयर प्रोडक्ट मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट. तो चलो एचसीएफ इनटू एलसीएम करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालना है ना. एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या आया? 1 × 2 3 4 6, कितना आएगा? 2 3 4 6 ही आएगा. अब प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स दिए हैं, गिवन नंबर्स कौन कौन है? 46 है, 51 है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो अभी मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या आएगा? 46 × 51. मल्टीप्लाई कर लो, चलो कर देते हैं. 46 × 51 करके देख लेते हैं. तो ये इधर आ गया 46, ये हो गया 0 3 carry 2 3, तो ऐड करेंगे तो 2 3 4 6. 2 3 4 6 हो गया आपका वेरिफिकेशन कि HCF into LCM इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स को, ठीक है? सो आई विल राइट देयरफॉर HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. सिंपल था ना? एक और क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 18, 63. चलो फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे पहला काम तो हमारा यही है. फैक्टराइजेशन किया, 2 9 3 3 3 1, जितना आप सम सॉल्व करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. देखो ऐसे देख के लगता है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली आप करो, आप करोगे तो समझ पाओगे कि हाँ हमको वाकई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? 63 है, 3 में जाएगा. 3 2 6, 3 1 3, 21 हो गया, तो ये 3 में जाएगा. 3 7 21, 7 1 7. चलो हमने कर दिया ये. अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 18 इक्वल 2 × 3 × 3, और 63 होता है 3 × 3 × 7. सो वी आर डन राइटिंग. अभी HCF निकाले, ठीक है? HCF निकालते हैं. HCF के लिए क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स को अंडरलाइन कर लो. चलो 3 3 यहाँ पे भी है, फिर 1 3, फिर 1 3 यहाँ पे भी है, और कुछ कॉमन है नहीं. सो 3 × 3 दैट इज 9. HCF मिल गया 9. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 18 और 63 का 9. LCM के लिए क्या करना है? जो कॉमन मल्टीपल्स था वही ले लो. कॉमन 3 3 था तो एक बार 3 लिखा, फिर वापस 3 3 था तो एक बार 3 लिखा. अब जो बच गया कौन है? 2 बच गया और 7 बच गया, लिख दो 2 × 7. अभी 3 × 3 क्या होता है? 9. 9 2 18, 18 7 कर लो मल्टीप्लाई. टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो.
126, ठीक है 126 आ गया। अब हमको क्या करना है, HCF into LCM वेरीफाई करना है ना, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन आधा ही सॉल्व हुआ है। अब वेरीफाई करो, चलो HCF into LCM is equal to 9 into 126 इधर मिला था ना, into 9 कर देती हूँ, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी किया तो 18 प्लस 5 23 आता है, तो 3 लिखा, 2 कैरी किया तो 1134, आंसर आया 1134। अभी क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स ना, गिवन नंबर्स क्या है, 18 और 63, चलो 18 इंटू 63 कर लो फटाफट, सो 18 इंटू 63 ये आ जाएगा 54, आप मल्टीप्लाई कर देना, बच्चा लोग 4 कैरी करेंगे 10 आएगा, 43111, ओके कितना आया 1134, सो आया सेम, तो इससे हमें पता चलता है देयरफॉर HCF इंटू LCM जब भी करेंगे तो हमको आएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीख सके ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में जहाँ पे मैथ समझना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए, सो जस्ट कीप शेयरिंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको ऐसी नई नई वीडियोस रिसीव करते जाना है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सेट डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से प्रैक्टिस सेट पर वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी प्रैक्टिस सेट पर बनाऊंगी। सो टेक केयर, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।